नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन यार दृष्टि। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर करें और बेल आइकन का जरूर हिट करें। आज की वीडियो में आप सीखेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.3 और 1.4। मैं ये एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट करा दूंगा और कुछ बेहतरीन कंसेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अधूरे में मत छोड़िएगा। तो चलते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया था जो कि एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट है। आई होप आपने बाकी क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पर कर लिए होंगे। 5, 6, 7 और 9th क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पर आपने कर लिए होंगे। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। मतलब 5/7 और 9/11, इन दोनों के बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। तो इसके लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो इन दोनों रेशनल्स के आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। तो चलिए उसके डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। डिवाइड करते हैं हम 5 को 7 से, डिवाइड करेंगे 0.0 7 7 49, 10 7 1 7, 30 7 4 28, 2 0 7 2 14 7 8 56 7 5 35। और फिर से आप देखेंगे 50 आ गया और ये चीज़ 50 आ गया, यानी अब हर बार आपका रिमाइंडर जो है वो रिपीट करेगा। तो आपकी जो वैल्यू हो गई वो क्या हुई, 5/7 की, 5/7 की जो आपकी वैल्यू हुई वो हुई 0.7142 85, और इन सभी पे बार, क्योंकि उसके बाद ये फिर रिपीट होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम करते हैं 9/11 का डिवीज़न। तो 9/11 का डिवीज़न यहाँ पे करते हैं, ये 9 लिख दिया, 11 9 0.90 बन गया, 11 8 88 20, 11 1 11 9। अब देखिए 9 आ गया, अब 0 हो जाएगा तो फिर से वही रिमाइंडर हो जाएगा, यानी 9/11 की जो आपकी वैल्यू हो गई वो हो गई 0.81 और 81 पे बाहर आ गया। अब आप गौर से देखिए, हमारी दो वैल्यू आई है, एक वैल्यू है ये वाली और दूसरी वैल्यू है ये वाली। इस वैल्यू में 2 डिजिट तक है, इसलिए आप 2 डिजिट ही लेंगे, 0.81 बार, इसलिए आप यहाँ पर देखिए 0.71 बार, यानी ये नंबर कुछ इस तरीके से है 0.71 और ये 0.81। इन दोनों के बीच ही आपको नंबर्स लेने हैं। आप कोई भी 3 डिफरेंट रेशनल नंबर ले सकते हैं इरेशनल्स, जैसे बसाई जगह सपोज़ कीजिए मैं 0.72 लेता हूँ, इन दोनों के बीच में वो लाई करता है, तो आप उसको इरेशनल कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे 0.72 और फिर आपने लगा दिया 0। ठीक है दोस्तों, 720 उसके बाद फिर आपने लिखा 7200 उसके बाद 7200, इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो ये आपका एक इरेशनल नंबर हो गया है। इस तरह से मैं दूसरा भी कोई रैंडम नंबर उठा लेता हूँ, बस आपको ये ध्यान रखना है इन दोनों के बीच में ही वो नंबर आना चाहिए। अगली बार ले लेता हूँ मैं 0.76 ले लिया, तो फिर मैंने 0 लगा दिया, उसके बाद 76 तो 00, फिर 76 तो 000, इस तरह से चलता रहे। नंबर आपको इस तरीके से लेना है कि ये दोनों के बीच भी आए और रिपीट भी ना करे और ये टर्मिनेटिंग भी ना हो। तो आई होप ये आप क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आया होगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 की ओर। तो दोस्तों एक्सरसाइज 1.4 सिर्फ इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। ये मैंने आपके लिए खोला है एग्जांपल 11, जिसमें लिखा है कि 5.37 बार को आप नंबर 9 पर शो करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 के दोनों क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं, इसलिए मैं आपको ये एक्सरसाइज ओरली करा देता हूँ। ये देखिए 5.37 बार को नंबर लाइन पर शो करने के लिए आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी और कुछ इस तरीके से इसको लार्ज बनाना होगा, लंबा लाइन को बिगर ड्रॉ करके। ये देखिए मैं आपको कैमरे में दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने लंबा लाइन ड्रॉ की 5 से 6 और ये 5.1 5.2 5.3 5.3 और फिर 5.4, यह इन दोनों में सर्कल किया हुआ है क्योंकि 5.37 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, इस तरह से जा रहा है। अब हम चलते हैं और आगे, ये देखिए अब आप इस पे देखिए, ये अब इन्होंने बड़ा कर दिया, अब ये कर दिया 5.3 और 5.4, अब ये दोनों को बड़ा कर दिया, अब यहाँ पे क्या होगा, ये 5.31, ये 5.32, ये 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, इस तरह से 5.37, अब ये इन दोनों को बड़ा करेंगे। अब ये देखिए इस तरह में, अब आप देख रहे हैं ये 5.37
और ये 5.38। अब इनको इन्होंने इन दोनों को बड़ा करके इस तरह से बना दिया है, और फिर अगली इमेज में इनको और बड़ा करके यहाँ पे शो कर दिया है, और यहाँ पे लाई कर रहा है 5.377। तो इस हिसाब से एक्सरसाइज 1.4 के दोनों क्वेश्चन आप एग्जांपल 11 पे बेस्ड इन्हीं चीज़ों से आप यूज़ करके आराम से बना पाएंगे। नंबर नंबर ड्रॉ करना है और इनको बड़ा करते जाना है। तो एक्सरसाइज 1.4 मेरी तरफ से ओरली ये ख़त्म होती है। आप दोनों क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो हम करते हैं एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको बताना है इनमें से क्या रेशनल है और इरेशनल है। तो चलिए इनके पार्ट्स को लेते हैं। पहला क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट बोला है 2 - √5, ये इरेशनल है या इरेशनल। आपको पता है 2 क्या है, ये है रेशनल नंबर, और √5 आपको पता है क्या है, ये है इरेशनल नंबर। जब आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आप क्या मिलेगा, ये रेशनल है और ये इरेशनल है। जब भी कहीं बीच में इरेशनल आ जाए तो उसका सब्ट्रैक्शन आपको इरेशनल नंबर ही देगा। ओके, सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है 3 + √23 ब्रैकेट एंड देन -√23, ये नंबर है। आप देखना जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये नंबर और ये नंबर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आपका बचेगा केवल 3, और 3 आप जानते हैं अच्छे से ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से थर्ड पार्ट ये क्या बोलता है, 2 √7 / √7। आप देख रहे √7 ऊपर √7 नीचे कट गया, बचा क्या आपका 2/7, और ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये भी हो गया। फोर्थ पार्ट है 1 / √2। आप जानते हैं ये √2 आपका एक इरेशनल नंबर है, अगर ये इरेशनल नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल भी इरेशनल ही आएगा, तो ये भी बहुत इजी हो गया है। इस तरीके से आते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट बोलता है 2π। ध्यान रहे बच्चों, पाई जो होता है वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि जब इसकी वैल्यू आती है वो 3.14 और समथिंग आती है, और ये एक ऐसा नंबर है जो ना ही टर्मिनेट होता है, और जब टर्मिनेट नहीं होता तो ना ही रिपीट करता है, और ये ना ही रिकरिंग होता है। तो ये भी आपका एक, जब पाई इरेशनल नंबर है तो 2π भी आपका इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी आपको फॉलोइंग एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। ये देखिए सिंप्लीफाई करना है, मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको करा के दे देता हूँ, बाकी आप तीनों पार्ट्स होमवर्क रहेगा। फर्स्ट पार्ट ये है 3 + √3 ब्रैकेट 2 + √2, आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। तो जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो देखिए एक इसका बहुत बेहतर तरीका होता है, आप पहले इस 3 नंबर को पकड़िए, मैं एरो बनाता हूँ, इसको आप पहले करेंगे मल्टीप्लाई इससे, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे, उसके बाद बारी आएगी इसकी, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ये देखिए मैं एरो लगाते जा रहा हूँ, और उसके बाद फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इक्वल टू यहाँ पर ला के यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, जब ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 3 × 2, यानी ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन आता रहेगा हमेशा प्लस का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। ठीक है, अगली बार फिर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 √2 से, तो 3 × √2 ब्रैकेट लगा दिया, इसके बाद प्लस। अब बारी आती है हमारी √3 की, अब √3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये क्या हो जाएगा √3 × 2, और फिर प्लस लगा दिया, अब ये √3 × √2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ √3 × √2, और फिर आगे सॉल्व करते हैं। ये कितना होगा 3 × 2 = 6 प्लस, ये कितना हो गया 3 × √2, ध्यान रहे हमेशा ये 3 √2 रहेगा, कभी भी हम इसको √6 नहीं लिख सकते, √3 √2 हो गया, और ये कितना हुआ, ये 2 √3 हो गया प्लस 2 √3 प्लस, और ये कितना है, देखिए ये √3 है, ये √2 है, अब रूट के अंदर ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6 √6। अब आप गौर से देखिए, क्या आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, जी नहीं ऐड नहीं कर सकते, ये √2 है और ये √3 है, ये नंबर बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा, ना तो 6 किसी के साथ ऐड होगा, ना ही √6 किसी के साथ ऐड होगा। तो इस हिसाब से आपका फाइनल आंसर ये निकल के आता है।
तो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके तीनों पार्ट्स आपके लिए होमवर्क रहेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों अब हम हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, रेशनलाइज द डिनोमेटर ऑफ द फॉलोइंग। इनके डिनोमेटर को आपको रेशनलाइज करना है और इसका मैंने सेकंड पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी पार्ट्स आप होमवर्क करेंगे। तो सेकंड पार्ट है 1/√7 माइनस रूट साइज, इनके डिनोमेटर को रेशनलाइज करना है। तो हम जब भी रेशनलाइज करते हैं डिनोमेटर को तो किस तरह से करते हैं, हम उसके डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं मगर साइन चेंज करके। मतलब कि ये है 1/√7 माइनस √6 और हम इसे मल्टीप्लाई करें तो किससे करेंगे, इसी नंबर से करेंगे। इसके डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं मगर साइन चेंज हो जाता है, यानी √7 + √6 और यहाँ भी √7 + √6। समझ गए होंगे आप, ये वही डिनोमेटर, बस का साइन चेंज हो गया। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ दोनों तरफ माइनस होता, अब यहाँ माइनस है तो इसलिए दोनों तरफ प्लस है। ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है इस नंबर से, तो जब भी कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर इटसेल्फ आता है। तो ऊपर हमारा यही रहेगा √7 + √6, और ये ऐड नहीं होगा दोस्तों, इसे √13 मत करिएगा। रूट के अंदर नंबर डिफरेंट है तो वो कभी ऐड नहीं होते। ये लिख दिया हमने, आप देख रहे हैं ये है √7 + √6, ये है √7 - √6। आपने एक आइडेंटिटी यानी फार्मूला पढ़ा होगा a + b a - b का, किसके इक्वल होता है वो a² - b², यहाँ पे बस a - b पहले लिखा हुआ है, बात वही है। तो a² - b² नहीं, a√7 है और b√6 है, तो इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं √7² माइनस, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये माइनस है √6² तो ये हमारा कितना आ गया, ऊपर है √7 + √6 अपॉन में नीचे √7² क्या होता है दोस्तों, जब भी रूट का किसी का स्क्वायर करते हैं तो वो रूट भी कैंसिल आउट हो जाता है और उस नंबर का स्क्वायर भी नहीं होता। दैट मीन्स √7² हो गया 7 माइनस, इस तरह से √6² हो गया 6। और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऊपर √7 + √6, नीचे 7 - 6 गया 1, और जब 1 गया तो डिनोमेटर कुछ भी नहीं रहा, तो ये नंबर फाइनल हो गया √7 + √6 और ये इसका आ गया आंसर। तो देखा आप लोगों ने, रेशनलाइज डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना कितना इजी था। इसी प्रकार से आप बाकी के पार्ट्स होमवर्क के तौर पर करेंगे। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। ये अगली वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.6 जो कि हमारे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी। अगर आप चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर करें और लाइक भी जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।